शोभना जी, कोई अगर घर टूटता है, कोई कोई रैंप तोड़ा जाता है, ये आते हैं कभी सड़क पर आपकी लड़ाई लड़ने के लिए? कुलदीप जी, इशू ही नहीं है दिल्ली वालों से। कुलदीप जी, दिल्ली वालों का पानी रोहिंग्या को हट रहा है, दिल्ली पानी वालों को जो रिसोर्सेज है वो दूसरी जगह डाइवर्ट कर रहे हैं। राजीव जी, अतिक्रमण अगर हट रहा है कुलदीप जी, तो इसे तो आम आदमी का फायदा है ना। मैं खुद अपने घर जाने में एक एक घंटे ट्रैफिक जैम में फंसी रहती हूँ, क्योंकि जो जहां तक दुकानों की लिमिट है उसके 20 मीटर बाहर तक वो दुकानें लगी हुई होती है, कंस्ट्रक्शन हो चुका है, पैसे की उगाही हो रही है। तो अगर बीजेपी को, जो कि आप आराम उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि सोकर जागी है और आप तोड़ रही है, तो तोड़ने दीजिए, फायदा है ना इससे तो दिल्ली के लोगों का। शोभना जी, इनकी मंशा इंक्रोचमेंट हटाना नहीं है, इनकी मंशा अवैध उभारी करना है, पैसे कमाना है, लोगों को परेशान करना है, प्रताड़ित करना है। इनकी मंशा केवल इतनी और बड़ी स्पष्ट। अरे तो लोग जवाब दे देंगे ना कुलदीप जी, अगर ये पैसे उभारी कर रहे हैं तो लोग जवाब दे देंगे चुनाव में। शोभना जी, अगर आपके घर पे जहां आप रहते हैं, अगर आपके घर में छज्जा 2 फीट बड़ा हुआ है और पूरी दिल्ली में बड़ा हुआ है, अगर आपको पैसे की उगाही करने के नाम पे धमकाया जाए, आपसे पैसे मांगे जाए, तो आप बर्दाश्त करोगे क्या? ये बात अब आई ना काम की बात, देखिए ये कह रहे हैं जो छज्जा बड़ा से बड़ा रहने दीजिए। कुलदीप जी और राजीव जी, सच्चाई तो ये है कि आप दोनों के द्वारा सियासत की जा रही है और दोनों ही राजनीतिक दल अपना अपना फायदा देख रहे हैं। अगर आप दिल्ली की जनता का फायदा देखते तो ये अतिक्रमण होता ही नहीं, और अभी अतिक्रमण हुआ है तो इसको तोड़ा जाना चाहिए और बिल्कुल लोगों का जो सरकारी जमीन पर जो कब्जा है उस पर हटना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का ही, आपने अपनी बात हमारे सामने रखी। और अब आगे बढ़ेंगे मातृभूमि में, और इस समय एक बड़ी खबर आ रही है, वो बता दें जम्मू कश्मीर के पुलवामा से, जहां मित्री गांव इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच एनकाउंटर शुरू हुआ है। दोनों ही तरफ से जबरदस्त फायरिंग की जा रही है, सुरक्षा बलों ने 2-3 आतंकवादियों को घेरा हुआ है, जैसे की जानकारी हमें मिल रही है। इस एनकाउंटर पर जैसे ही कोई अपडेट मिलेगा हम फौरन आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल का अपडेट यह है कि सुरक्षा बलों ने 2-3 आतंकी हैं उनको घेरा हुआ है, दोनों ही तरफ से जमकर फायरिंग चल रही है। पुलवामा का मित्री ग्राम इलाका है जहां पर इन आतंकवादियों को घेरा गया है और एनकाउंटर शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी के नाम 108 पूर्व नौकरशाहों की चिट्ठी का बीजेपी ने जवाब दिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा का कहना है कि ये वही लोग हैं जो मोदी सरकार बनने के बाद से लोगों को गुमराह कर रहे हैं, अविश्वास का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि दिल्ली के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग, पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शिवशंकर मेनन समेत देश के 108 पूर्व नौकरशाहों ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखकर कहा है कि देश में नफरत की राजनीति हो रही है, बीजेपी शासित राज्यों में अल्पसंख्यकों के प्रति नफरत फैलाई जा रही है। तो उसका जवाब संबित पात्रा ने दिया है। ये वही समूह है नौकरशाहों का जो हमेशा उसी प्रकार की चिट्ठी लिखते हैं और उसी प्रकार के एजेंडा को देश में सेट करना चाहते हैं। जिस प्रकार की नकारात्मकता के साथ ये चिट्ठियां लिखी जाती हैं, कहीं ना कहीं इसके पीछे एक एजेंडा है। तो हमारा सिर्फ इतना कहना है, चिट्ठी लिखने से पहले सभी विषयों की सत्यता को, सभी विषयों के तथ्य को जानकारी में रखनी चाहिए। और विगत कई वर्षों से, जब से मोदी जी की सरकार रही है, हमने देखा है ये वही समूह है जो इसी प्रकार के चिट्ठी को लिख करके एक मिस इन्फॉर्मेशन का वातावरण, एक भ्रम के वातावरण को देश में सृजित करने का प्रयास कर रहे हैं। ABP News, आपको रखे आगे।